यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, महाजनों येन गताः स पन्थाः, अर्थात जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले, वही हमारा पथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है, अब हम 21वीं सदी में हैं, और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है। और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है, युवा जनों येन गता स पन्थाः, जिस मार्ग पर युवा चल रहे वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है, युवा नए भारत का विस्तार भी है, युवा नए भारत का नियंता भी है, और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है, और इसलिए जिधर युवा चलेगा उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। आज हम देखें तो साइंस से लेकर साहित्य तक, स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर तरफ भारत के युवा ही छाए हुए हैं। भाई और बहनों, खेल की दुनिया में आने वाले हमारे युवा पहले भी सामर्थ्यवान थे, उनकी मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं थी। हमारे देश में खेल संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही है। हमारे गांवों में हर उत्सव, हर त्योहार में खेल एक अहम हिस्सा रहता है। मेरठ में होने वाले दंगल और उसमें जो घी के पीपे
और लड्डुओं की जीत का पुरस्कार मिलता है, उस स्वाद के लिए किसका मन मैदान में उतरने के लिए ना हो। लेकिन ये भी सही है कि पहले की सरकार की नीतियों की वजह से खेल और खिलाड़ियों को उनकी तरफ देखने का नजरिया बदल बहुत अलग रहा। पहले शहरों में जब कोई युवा अपनी एक पहचान, अगर वो अपनी पहचान एक खिलाड़ी के रूप में बताता था, अगर वो कहता था कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं फलाना खेल खेलता हूं, मैं उस खेल में आगे बढ़ा हूं, तो सामने वाले क्या पूछते थे मालूम है? सामने वाले पूछते थे, अरे बेटे खेलते हो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? यानी खेल की कोई इज्जत ही नहीं मानी जाती थी। गांव में यदि कोई खुद को खिलाड़ी बताता तो लोग कहते थे, चलो फौज या पुलिस में नौकरी के लिए खेल रहा होगा। यानी खेलों के प्रति सोच और समझ का दायरा बहुत सीमित हो गया था। पहले की सरकारों ने युवाओं के इस सामर्थ्य को महत्व नहीं दिया। ये सरकारों का दायित्व था कि समाज में खेल के प्रति जो सोच है उसे, खेल को, उस सोच को बदल करके खेल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ उल्टा, ज्यादातर खेलों के प्रति देश में बेरुखी बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि जिस हॉकी में गुलामी के कालखंड में भी मेजर ध्यानचंद जी जैसी प्रतिभाओं ने देश को गौरव दिलाया, उसमें भी मेडल के लिए हमें दशकों का इंतजार करना पड़ा। दुनिया की हॉकी प्राकृतिक मैदान से एस्ट्रो टर्फ की तरफ बढ़ गई, लेकिन हम वही के वही रह गए। जब तक हम जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। साथियों, हॉकी तो एक उदाहरण है, यह हर खेल की कहानी थी। बदलती टेक्नोलॉजी, बदलती डिमांड, बदलती स्किल्स के लिए देश में पहले की सरकारें बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार ही नहीं कर पाई। साथियों, देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था, वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में
भारत के खिलाड़ियों को ये चार शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी कैरियर से जोड़ा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स ऐसा ही एक प्रयास रहा है। आज सरकार देश के शीर्ष खिलाड़ियों को उनके खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों करोड़ों रुपयों की मदद दे रही है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। ऐसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए उनकी हर संभव मदद की जा रही है। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जब भारत का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतरता है तो फिर उसका प्रदर्शन दुनिया भी सराहती है, देखती है। पिछले साल हमने ओलंपिक में देखा, हमने पैरालंपिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो पिछले ओलंपिक में मेरे देश के वीर बेटे बेटियों ने करके दिखाया। मेडल की ऐसी जड़ी लगा दी कि पूरा देश कह उठा, एक स्वर से देश में बोल उठा, खेल के मैदान में भारत का उदय हो गया है। भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक छोटे छोटे गांवों कस्बों से, सामान्य परिवारों से बेटे बेटियां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे खेलों में भी हमारी बेटे बेटियां आगे आ रही हैं, जिनमें पहले संसाधन संपन्न परिवार के युवा ही हिस्सा ले पाते थे। इसी क्षेत्र के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। सरकार गांव गांव में जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रही है उसका ही ये परिणाम है। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे, आज गांव के पास ही खिलाड़ियों के ये सुविधा दी जा रही है। साथियों, हम जब भी एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। सानिध्य, सोच और संसाधन। खेलों से हमारा सानिध्य सदियों पुराना रहा है, लेकिन खेल की संस्कृति पैदा करने के लिए खेलों से हमारे पुराने संबंध से ही काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए एक नई सोच भी चाहिए। देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े। और यही मेरा संकल्प भी है और ये मेरा सपना भी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।